तो दोस्तों एम टी आई टेक्नोलॉजी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 142 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जॉइन किया था ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 152 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 128 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 16% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देख लूँ। वहाँ भी देखें तो लगभग बोल सकते हैं 10% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको इस क्वार्टर में गिरता हुआ देखने को मिला है। जबकि मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया, 128 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू के अंदर हल्की सी गिरावट होगी, ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं होगी। मार्केट का मानना था कि गिरावट आएगी लेकिन हल्की सी होगी, 140 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था। लेकिन यहाँ पर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू मार्केट के अनुमान से ज़्यादा गिर चुका है, 128 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 136 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 129 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का खर्चे 122 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी कंपनी के थोड़े से ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, और उसके पीछे का रीज़न है कंपनी का इन्वेंट्री को जाता है, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को 2.5 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है इन्वेंट्री में, जबकि पिछले साल 21 करोड़ के आसपास कंपनी को फायदा हुआ था। तो इन्वेंट्री की वजह से ही देखें तो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो आपको साल से साल थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 4.8 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, पिछले साल 20 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो गिर के 4.4 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देख लो। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले, लगभग बोल सकते हैं 28% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। और क्यों गिरा है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि रेवेन्यू थोड़ा सा कम है और साथ में कंपनी के जो इन्वेंट्री है उसकी वजह से कंपनी का एक्सपेंस ज़्यादा आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 10% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। क्वार्टरली बेसिस पर साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। कंपनी ने शो कितना किया है, 4.4 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग 10 से 11 करोड़ आता हुआ देखने को मिलेगा। तो मार्केट का अनुमान से देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है बहुत कम आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1.58 के आसपास, पिछले साल 6.6, अभी देखें तो 1.44 के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर जो है थोड़े से कमजोर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और सबसे बुरी खबर ये है कि जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के नंबर्स को लेकर, उससे भी कंपनी के नंबर कमजोर आपको देखने को मिले। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।